नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कभी कोई समस्या बहुत दिन तक दखलंदाजी नहीं कर पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर और कारगर विषय है। ये उपाय या ये क्रिया उन लोगों के लिए है दोस्तों, जिन लोगों के गुरु ग्रह कमजोर हैं, और जिसके गुरु ग्रह कमजोर हैं वो व्यक्ति अपना बहुत कुछ खो देता है दोस्तों। वो कितने ही प्रयत्न करे लेकिन उसको वो सफलता प्राप्त नहीं होती जिस चीज का वो हकदार है। तो गुरु एक ऐसे ग्रह है कि वो हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का बहुत महत्व है दोस्तों। कहा गया है ये कि गुरु जीवन को धन्य बना देता है, और गुरु जिसके कमजोर हो उसका जीवन बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। ये भी कहा गया है, गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो हमको मार्गदर्शन करते हैं, हमारा हमको अच्छे बुरे की पहचान देते हैं, हमारी विवेक बुद्धि को तीव्र करते हैं। तो गुरु का मजबूत होना सफलता का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है दोस्तों। तो जिनको भी या फिर इस क्रिया को कोई भी कर सकता है, जिसके गुरु अगर मजबूत भी है तो और ज्यादा मजबूत होंगे और ज्यादा फल मिलेगा, और जिसके गुरु कमजोर हैं या कुंडली में गुरु का दोष है उनके लिए तो ये उपाय रामबाण साबित होगा दोस्तों। इसको करके देखिए, अगर आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो बोलना, कोई भी कर सकता है, महिला पुरुष स्टूडेंट कोई भी। आपको करना क्या है, क्रिया सिंपल है दोस्तों। ये शुरू करने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है, गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको एक सिंपल उपाय है। ये क्रिया आपको शिवालय में जाके करनी है दोस्तों, शिवलिंग के ऊपर। आपको सुबह नहा धोके स्वच्छ होके स्वच्छ कपड़े पहनने और शिवालय में जाना है जहां शिवलिंग हो, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। अगर आपके आसपास ऐसा नहीं हो पाता है तो आप अपने घर में जो भी शिवलिंग आपके पूजा स्थान में है वहां भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, और शिवालय में करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। आपको कनेर का एक पीला फूल ले लेना है, या तो एक ले ले या पांच फूल ले ले, और साबुत चावल हल्दी पाउडर में थोड़ा पानी ऐड करके पेस्ट बना के चावल उसमें मिक्स कर लें, जिससे वो पीले चावल हो जाएंगे। और चावल साबुत होने चाहिए दोस्तों, चावल का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। एक तो मैंने कनेर के फूल बताए, तो पांच कनेर के फूल ले लें, थोड़े से साबुत चावल ले लें, और एक लोटा जल और दो अगरबत्ती वहां जला दें आप। उसके बाद सबसे पहले आपको पुष्प चढ़ा देने शिवलिंग के ऊपर, उसके बाद चावल चढ़ा देने, और उसके बाद लोटा लेके आपको जल अर्पित करना है। और जल अर्पित करते समय आप
आपको एक मंत्र बोल रहा है, जब तक आपके लोटा की धार चलती रहे। धार थोड़ी धीमी करना दोस्तों, जिससे क्या होगा कि आप कम से कम 11 बार तो मंत्र बोल सकें, ऐसा आप ध्यान रखें। जब 11 बार आपका मंत्र हो तब तक आपकी धार कंटिन्यू चलनी चाहिए, धार बीच में टूटनी नहीं चाहिए जल की। इस चीज का खास आपको ध्यान रखना है और आपको मंत्र बोलते रहना है, ओम ग्राम क्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। मंत्र में फिर से बोल रहा हूं, ओम ग्राम क्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपको कंटिन्यू जाप करते रहना है, भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते समय, और ये आपको गुरुवार को करना है। गुरु शुक्र और शनि तीन दिन आपको कंटिन्यू भगवान शंकर को ये चीजें अर्पित करनी है, ये मंत्र बोलना है और जल देना है, गैप नहीं होना चाहिए। गुरु शुक्र शनि तीन दिन आपको कंटिन्यू करना है। दोस्तों आपके गुरु मजबूत नहीं, बहुत मजबूत हो जाएंगे, और गुरु अगर आपके मजबूत हो जाएंगे तो आपके सारे रुके हुए काम अपने आप होना शुरू हो जाएंगे, आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे, आपकी जो इच्छा होगी वो सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और जिसके गुरु मजबूत हैं उसके ऊपर माता लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाती है और वो अपना आशीर्वाद भरपूर उसको प्रदान कर देती है। आपके यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, हर वो चीज होगी आपके पास जिसकी आप इच्छा रखते हैं। जीवन में कोई भी स्थान रिक्त नहीं होगा, हर तरफ आपका सब कुछ बहुत ही वेल सेटल होगा। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।